फिर तो सीधा प्रोजेक्ट है। वीडियो आप लोग देखते हो मैं जो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, देख लेते हो? कोई देखता है मैच जी के? सर, कुछ यस सर, हेल्प मिल यस जाती है सर, आपको? यस हेल्प मिल जाती है? नहीं मिलती है? सर, यस सर, कर चलो दिया, ठीक, यस सर, चलो सेम ठीक, हूँ। फिर तो चलो ठीक है, फिर हेल्प मिल रही है तो ठीक है। चलो अब एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। आज हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है, डिस्प्ले करना है, व्यू करना है, एडिट करना है, अपडेट करना है, मतलब पूरा एक कार्ड ऑपरेशन करना है। यहां से भी करना है, सीएमडी से भी, और मंगो करना मैंने वो है ना कंपास, वहां से भी करना है। आगे चल के जो हमें यूज करना है वो कंपास ही यूज करना है, ठीक है ना? बस ये यहाँ क्यों सिखा रहा हूँ कि आपको नॉलेज हो कि इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, आईडी का क्या रोल है, इसका क्या रोल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? बेस मजबूत, सारा खेल मजबूत आप लोग का। तो अब मैं बनाता हूँ एक नया डेटाबेस, ठीक है? लिखो यूज MITS, यूज MITS, इसलिए थोड़ा बैच लंबा चलता है, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा दूंगा तो मजा भी नहीं आएगा फिर आप लोगों को। अब देखो मैंने डेटाबेस का नाम रखा MITS। अब डेटाबेस अभी सो तो होगा नहीं, वो सबको पता है, तो हमें क्या करना होता है? डीबी डॉट, लिखो डीबी डॉट स्टूडेंट, कलेक्शन में आना पड़ता है, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट डॉट इंसर्ट वन डॉट इंसर्ट वन, फंक्शन का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में वो डाल दो फील्ड। फंक्शन का साइन कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दो फील्ड। हाँ वही नेम, सिंपल नेम, नेम 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 कोलन सिंगल कोट में राम, बस दो फील्ड लेके चलो बहुत है। सिटी ले लो, ठीक है, बस एंटर दे दो, ठीक। एक बार और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो, आप सिटी चेंज कर दो, सिटी और सिटी वही रहने दो, नाम चेंज कर दो, सिटी वही रहने दो, नाम चेंज कर दो, चलो एंटर दे दो, ठीक है सब लोग, दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। अब हम करते हैं डिस्प्ले, है ना? डिस्प्ले कैसे करते हैं? डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, फाइंड 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 होता है, फाइंड फाइंड होता है, जब भी हम डिस्प्ले कराते हैं फाइंड का यूज करते हैं। फंक्शन का साइन एंटर दे दो, एंटर दे दो, चलो एंटर दे दो, बस बस स्टूडेंट्स होगा, एस है उसमें, एस लिखा हुआ, दोबारा पढ़ चलाओ, उसमें एस लिखा था, एस स्टूडेंट्स होगा ना, एस कर दो, हाँ एंटर दे दो। चलो अब व्यू वाला काम कर लो, देखो इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, व्यू करते हैं, व्यू वही आईडी से करते हैं ना, व्यू अपन याद है सबको, व्यू वाला काम हम आईडी से करते हैं ना, तो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, फंक्शन का साइन, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, फिर अंडरस्कोर आईडी कोलन, और फिर लिखो ऑब्जेक्ट, सिंपल सिंपल सिंपल, वो कॉपी पूरी कॉपी कर लो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से कॉपी कर लो, आईडी कॉपी करना आप सीखे ना, कंट्रोल सी और राइट क्लिक कर दो, बस बस, और राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो यहाँ पर, बस एंटर दे दो, रिटर्न क्या आ जाएगा? आप स्टूडेंट कर देती हो, एस लगाना होता है, एंड बस, ठीक है? इंसर्ट हो गया, डिस्प्ले हो गया, व्यू कर लिया, इतना काम पहले आप लोग जल्दी करो, इनको ऊपर से दिखाओ, ऊपर से थोड़ा, इतना आप लोग जल्दी करना फटाक से, डेटाबेस नया बनेगा, डेटाबेस नया, ये डाले ना हेडन, डाले हेडन लिखा हुआ है, HIDE हाइड वाला। चलो आप लोग जो काम करें, यूज MITS, फिर कलेक्शन का नेम, जेसन ऑब्जेक्ट लेता क्या है क्या? जेसन ऑब्जेक्ट देता है क्या? हाँ वही चल रहा है ना, ऑब्जेक्ट तो चल रहा है पूरा, नहीं सर, ये जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है ना सर? हाँ ऑब्जेक्ट में पूरा कर रहा है, सारा खेल इसमें ऑब्जेक्ट का ही है,
सब नोट कर लें फटाफट यहाँ से, चला के देखो जिसे, ठीक है। हाँ तो कैसे लिखते हैं अपन, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, फाइंड के अंदर कर्ली ब्रैकेट, सिटी में ग्वाली लिखते हैं, सिखाया था लास्ट क्लास में, फाइंड फंक्शन का साइन, फिर उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, फिर लिख दो सिटी कोलन ग्वालियर, ग्वालियर एंटर दे दो, और क्या गया जी, फाइंड कर लिया हमने। चलो तो हमने इंसर्ट सीखा, इंसर्ट करना सीखा, अब डिलीट करना, इंसर्ट डिस्प्ले व्यू फाइंड, अब हमें करना क्या है, अपडेट कैसे करते हैं। मैंने कहा कि यार सिटी को थोड़ा अपडेट करना है, जो राम ने कहा मुझसे, राम कह रहा है कि भैया मेरी सिटी आप चेंज कर दो, मैं ग्वालियर में नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ। राम ने कहा कि मैं अब दिल्ली में रहने लगा हूँ सर, ग्वालियर में नहीं रहता, सिटी मेरी अपडेट कर दो। अब राम की सिटी अपडेट कैसे होगी, राम की सिटी अपडेट, तो राम की आईडीसी तो कर पाएंगे अपन क्यों सब लोग, राम की आईडी से ही तो हम राम की सिटी को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस से मांगे चलो राम नाम के बहुत सारे हुए तो, है ना। अगर मैं सोचूं कि उसके नाम से ही अपडेट कर दूं, राम के नाम से तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं क्या करना पड़ेगा, राम की जो आईडी है वो यूनिक है, तो हम राम की आईडी से ही राम की सिटी को अपडेट कर सकते हैं। जब आप लोग अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो वहां पे आपकी आईडी का ही सारा खेल होता है, यूट्यूब पर जब क्लिक करते हो किसी वीडियो पे, वहां पे भी सारा खेल उसकी आईडी का ही होता है, ठीक है। जब आप बैलेंस चेक करते हो वहां पे भी सारा खेल आईडी का होता है, तो आओ अपडेट करते हैं, है ना। इंसर्ट को कि सबसे मेन यही होता है, इंसर्ट डिस्प्ले व्यू अपडेट डिलीट, सबसे मेन क्वेरी हमारी यही रहती है। इंसर्ट करना आपको आ गया, अपडेट करना आ गया, डिलीट करना आ गया, फाइंड करना आ गया, बाकी तो और क्वेरी चलती रहती है उसमें। आपको करने से अच्छा आता है तो कुछ भी कर लोगे। चलो आओ लिखो डीवी डॉट, नाम डालो डीवी डॉट स्टूडेंट एड अपडेट वन, फाइंड नहीं आएगा, फाइंड नहीं आएगा, अपडेट वन, अपडेट वन फंक्शन का साइन कर दिया, किस उसके अंदर, उसके अंदर कर लिया वैकेस, उसके अंदर ही आएगा ना, बंद कर लो। अब उसके अंदर लिखो, देखो अब मैं किससे अपडेट करना है, तो मैंने लिखा अंडरस्कोर आईडी, अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि आईडी तो यूनिक रहती है, कोलन कॉपी कर लेना उसकी ऑब्जेक्ट आईडी पूरी, ओके। जब भी हम किसी का रिकॉर्ड अपडेट करेंगे ना, तो उसकी आईडी से ही करेंगे, पेस्ट कर दो, ठीक है। आप कर्ली ब्रैकेट से बाहर जाओ, कॉमा लगाओ, कर्ली ब्रैकेट से बाहर जाके कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट लगाओ, थोड़ा ऊपर खिसका दो ना, ऊपर थोड़ा और खिसका दो, बस बस ठीक है। चलो अब लिखो, अब नहीं लोगों तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, अब बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा ना क्या हमें सेट करना है। हमने ये कहा, हमने अभी क्या कहा, हमने इससे कहा कि भाई आप ये आईडी जाके ढूंढो, हमने अभी क्या कहा अपडेट वन में कि आप ये आईडी जाके स्टूडेंट्स के अंदर जाके ढूंढो। अब उसको वो आईडी मिल गई, अब वो कह रहा है भैया मुझे क्या सेट करना है, तो मैं लिख रहा हूं डॉलर सेट, लिखो डॉलर सेट कोलन कर्ली ब्रैकेट, देखो सिटी उसके अंदर सिटी कोलन दिल्ली, सिंगल कोट में दिल्ली, अगर तुम्हें और भी कुछ अपडेट करना है तो डबल कोट के बाद क्या लगा दोगे, कॉमा लगा सकते हो। अगर तुम्हें नाम भी करना है कॉमा लगा देना, कॉमा देखो नेम, नेम कोलन राज, हमने दोनों चीज अपडेट कर दी इसकी, ठीक है आईडी से उसकी राज, ठीक है। तो पहले क्या होगा, क्वेरी क्या चलेगी, पहले जाएगा डेटाबेस में, कलेक्शन में जाएगा, आईडी जाके ढूंढेगा, आईडी मिल गई, फिर देखेगा मुझे क्या सेट करना है। तो मैंने उससे कहा कि भाई सिटी में जाके देखो, सिटी में जाना है तो सिटी वाले कॉलम में, वहां पे दिल्ली कर दो, उसने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा कि नाम वाले कॉलम में जाओ, उसमें जाकर राज कर दो, किसके नाम वाले कॉलम में जाएगा, जो हमने आईडी दी है उसके नाम वाले कॉलम में जाएगा, ठीक है, जो उसने आईडी ढूंढी है वहां पे, है ना। चलो एंटर दो, क्या दे गया, इज नॉट अ फंक्शन, क्या लगाया, अपडेट बन उठा दो, बन वहां से डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट वन हटा देना, वन लिखा है, एंटर दो,
अरे उसका यू स्मॉल करो, यू यू तुमने यू कैपिटल कर रखा है, तो मैं कहूँ हाँ यू स्मॉल कर दो, अपडेट का यू स्मॉल होगा, तो मैं कहूँ चल के ना रहो, एंटर दे दो, देखो गया दिख रहा है। ओके आगे वन फाइंड कर देना, डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड कर दो। स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, फाइंड सिंपल फंक्शन साइन लगा दो, एंटर दे दो। देखो सब लोग रहा, जो डेली हो गया दिख रहा है, अपडेट हो गया, आप लोग करो उसमें थोड़ा कर्सर कर देना, अपडेट वाली क्वेरी पे ना जो सही चल रही है थोड़ा उसको हाईलाइट कर दो, हाईलाइट थोड़ा ऊपर वाली अपडेट वाली क्वेरी नीचे, हाँ नीचे इस पर थोड़ा हाईलाइट कर दो। हाँ थोड़ा चला के देखें, चलाओ उसको, चला के सब देखें, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है तो अपडेट करना समझ आया, अपडेट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं डिलीट की, कि हमें कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो वो हम रिकॉर्ड डिलीट कैसे करेंगे, है ना। हमने इंसर्ट करा, डिस्प्ले किया, व्यू किया, फाइंड किया, रिकॉर्ड अपडेट भी कर लिया, कैसे रिकॉर्ड अपडेट होते हैं आगे चल के सारी क्वेरी यूज करेंगे। अब करते हैं डिलीट का काम, ठीक है। लिखो डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट डिलीट, डिलीट फंक्शन का साइन कर्ली ब्रैकेट से आगे, डिलीट कर दो आईडी से, अंडरस्कोर आईडी डाल दो, डिलीट कर देना उठाकर। बस एंटर दे दो, क्या लगा तुमने। सर डिलीट हाँ वन होगा। बन लगा दो, डिलीट बन लगा दो उसमें। डिलीट वन वो कैपिटल कर देना, वन डिलीट वन लगा दो बस। चलो हो गया, चेक कर लो फाइंड लगा के, डीवी डॉट डॉट कॉमा लग गया वो। फाइंड कर दो, एंटर दे दो। देखो एक रिकॉर्ड बचा, अब इनको भी दिखा दो, क्वेरी भी हाईलाइट कर देना थोड़ा। सब लोग ये कंपास ओपन कर लो, सर्च कर लो सारे लोग, ये कंपास सब लोग ओपन कर लें, अपने अपने मोंगो डीबी कंपास सर्च करो, इसको ओपन करो, क्योंकि आगे चल के हम इसी का यूज करेंगे कंपास का। और इस कनेक्ट पे क्लिक करना होता है, जैसे आप कंपास ओपन करोगे तो कनेक्ट पे क्लिक करना होता है। करो सब लोग ओपन जल्दी से। हाँ दिखाया सबको, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस, उसके प्लस पे क्लिक कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, कि भाई डेटाबेस का नाम डालो, कलेक्शन का नाम डालो, साथ डालनी पड़ता है, तो डाल दो उसमें कोई भी नाम डेटाबेस का आपको डालना हो, कुछ भी डाल दो, तो नमी है डेटाबेस का नाम डाल दो कुछ भी। चलो कलेक्शन नाम डाल दो, स्टूडेंट कलेक्शन का नाम डाल दो साथ में स्टूडेंट, और क्रिएट कर दो। देखो एक साथ करने पड़ती हैं दोनों चीजें, है ना, तभी बनता है। देखो अब डेटा देखो साइड में बन गया, साइड में आपको शो हो रहा होगा, लेफ्ट साइड देखो डेटाबेस का नाम भी शो हो रहा होगा, उस डेटाबेस को ओपन करोगे तो उसके अंदर कलेक्शन में आपको दिख रहा होगा, ओपन करो, ये कलेक्शन में दिख रहा होगा आपके स्टूडेंट्स। अब उस कलेक्शन में सब लोग क्लिक कर लो, रुको 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 रुको, कर लिए सबने क्लिक, बताएं। यस सर। तो मांगे बढ़ू, यस सर। यस सर। अब क्या करना है,
अब देखो, अब मुझे बनाना है, इंसर्ट करना है, तो लिखा है ना ऐड डेटा, ऐड डेटा पे एरो पे क्लिक करो। अब सब देखना पहले 2 मिनट के लिए, ऐड डेटा के एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, इंपोर्ट करना और इंसर्ट डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, क्लिक करो। अब देखो यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कर लो, तो दिख रहा है ना वो कर्ली ब्रैकेट लगा के ऑब्जेक्ट में, ठीक है, या फिर ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर व्यू के बगल में 3 लाइन आ रही हैं, या सिंपल कर लो, ऊपर देखो व्यू के बगल में ये कर्ली ब्रैकेट से बगल में 3 लाइन आ रही हैं, सबके में दिख रहा है 3 लाइन है, चेक करो आप लोग कितने में, इनको फिर से दिखाना, कैंसिल कर देना उसको, कैंसिल कर दो, कैंसिल। ऐड डेटा पे क्लिक करना है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और ऊपर देखो व्यू के बगल में एक 3 लाइन आ रही होंगी, है ना, बार वाली, इस बटन पे क्लिक कर दो सब लोग। अब देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आईडी आपको दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट आईडी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर रिकॉर्ड डालने हैं। तो अब देखो जैसे आप आईडी पे माउस लेके जाओगे 1 पे, देखो दिखा दो पहले बॉन पे माउस ले जाके, फिर देखो 1 पे माउस लेके जाओगे, लेके जाओ तो दिख रहा है प्लस, उस प्लस पे क्लिक कर दो, हाँ ऐड फील्ड पे कर दो, क्लिक करो प्लस पे। अब यहाँ पे डाल दो नेम, देखो नेम, अब माउस ले जाओ वहाँ बगल वाले टैब पे, माउस यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ डाल दो हेलो, कुछ भी डालना हो, सब देख लो ना कैसे फील्ड ऐड हो रही है। अब दूसरी फील्ड ऐड करनी है तो फिर प्लस पे क्लिक करो, ऐसे आ रहा ना ऐड फील्ड, यहाँ पर डाल दो ईमेल, जो भी डालना हो, ऐसे 2-3 फील्ड ऐड करो आप लोग जल्दी से। हो गया सर, हो गया, कर लिया। एक और रिकॉर्ड, 2-3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो, कम से 2-3 तो कर ही लो, जिससे फिल्टर लगा पाओ। चलो 2-3 कर लिए, बहुत अच्छा, 2 होता है, सब 2 कर लिए। अब देखो अब इंसर्ट भी हो गया, अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले भी देखो बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है, अब हमें करना है फाइंड। अब देखो फाइंड कैसे करते हैं, वो देखो लिखा है फिल्टर, ऊपर देखो उसी पर फिल्टर लिखा है ना, फिल्टर नहीं, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, देखो नेम, उसके लिए लिखो नेम कोलन और डाल दो कुछ भी, राम है, होगा तो उठ के आ जाएगा, नहीं होगा तो मना कर देगा वो। और फाइंड करना, देखो क्या लिख क्या है, नो रिजल्ट, दिख रहा है सब लोग, फाइंड करना तो, और लिखो अब नाम डाल दो जो होगा तो, यस सर, फाइंड करो, शिवानी है कि नहीं, देखो नहीं है शिवानी भी, चलो जो नाम है वो फाइंड कर दो, जो नाम भरा वो नाम फाइंड कर दो, क्या गया, फाइंड भी कर लिया हमने, कैसे फाइंड करते हैं यहां से, अभी हटा देना फाइंड वाला पार्ट, अब करते हैं अपडेट और डिलीट वाला काम, ठीक है, रिफ्रेश कर दो, एंटर दे दो, हाँ बस अब करते हैं अपडेट डिलीट। तो देखो जी दिख रहा है रिकॉर्ड,
रिकॉर्ड राइट साइड में, राइट साइड में रिकॉर्ड दिख रहा, नीचे नीचे रिकॉर्ड दिख रहा, नेम नेम दिख रहा है, शिवानी। हाँ देखो देखो आ रही, देखो पेंसिल आ रही, देखो देखो राइट साइड में सब देखो। जैसे आप रिकॉर्ड माउस लेके जाओगे जी, आपको पेंसिल दिखेगी एक एडिट करने के लिए, सबके लिख रही पेंसिल, उस एडिट पे, उस पेंसिल पे क्लिक करो और जो रिकॉर्ड एडिट करना है उसको एडिट करो, नाम चेंज कर देना। आपको जो रिकॉर्ड चेंज करने वहां पर जाकर नाम चेंज कर लो, अंदर जाके, अंदर जाओ बीच में, बीच में अंदर जाओ, बीच में क्लिक करो, बीच में उसको बीच में क्लिक करना होता है। हाँ टाइप करो, क्लिक करो, चेंज होता है, क्लिक तो करो फिर दोबारा से। अरे इसको सिलेक्ट नहीं करो, वैसे क्लिक करो, डबल क्लिक करो किसी, वो एम पे क्लिक करो, एम पे सिलेक्ट होता है वो, पूरा सिलेक्ट मत करो, क्लिक एक कर दो, पूरा सिलेक्ट कर रही हो। कैंसिल करना, कैंसिल करो ना, कैंसिल कैंसिल करना ना, क्या किया था मैं फिर से, नीचे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, वो कैंसिल नीचे, वो कैंसिल राइट साइड में। हाँ पेंसिल पे क्लिक करो ना, अब जाओ तो खुद दे रहा एडिट करने के लिए आपसे। हाँ हो रहा है, आपको लिखो कुछ भी, हो रहा है, नहीं हो रहा एडिट, देखो जैसे आप एडिट करोगे तो अपना बटन आ जाएगा अपडेट का, बीच में क्लिक करना पड़ता है, देखो अपडेट हो गया, आप लोग अपडेट कर लें। कर लिया इतना, अब डिलीट कर लो, डिलीट यहाँ पे क्वेरी से कैसे डिलीट करेंगे, कहाँ पे क्वेरी से, यहाँ पे क्वेरी से ऊपर क्वेरी चलती है, डायरेक्ट होता है। अच्छा जैसे ढूंढ के नाम से ढूंढ लो फिर, हाँ हाँ डिलीट कर लो ना, चेंजेस कर लो और क्या, या फिर आईडी से, नहीं सिंपल देख तो रहे हैं रिकॉर्ड, फाइंड कर लो, डिलीट कर दो, हाँ फाइंड कर रीड कर दो, नहीं लाइक जैसे 100 डेटा हो गए मुझे नहीं पता है कि क्या नेम है या क्या आईडी है, तो फिर वहां पे तो फाइंड ही करने पड़ेंगे ना, तो फिर क्वेरी में कैसे पता करोगे, चलो क्वेरी में तो क्वेरी को डालनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ लेकिन वहां पे तो हम क्वेरी चला देते हैं ना डायरेक्ट की है ना, ये आईडी पे ये, तो आपको वहां पर तो आईडी यहां पे डाल सकते हो ना, फिल्टर में फिल्टर लगाते हो, हाँ फिर तो वैसे ही दिख जाएगी, अगर मैं आईडी पता होगी तो मुझे वैसे ही दिख जाएगा, तो वो आईडी तो आप आईडी तो आप वहां भी डालोगे क्वेरी में। हाँ अब कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो फिर उसको तो फिल्टर करना लगाना पड़ेगा ना, फाइंड करना पड़ेगा मेरे रिकॉर्ड को हजारों में से, है ना। हाँ क्या कह रहे हो, फाइंड करना है एक बार सर, फाइंड करना है एक बार और थोड़ा सा बता दीजिएगा, जैसे ये दोनों दिख रहे हैं सामने, वो फाइंड करना कैसे बताया, देखो लिखा फिल्टर, लिखा फिल्टर, यस सर, फिल्टर में कर्ली बैग देखो दिखा रहा है क्या करना होता है। अब मैं लिखा नेम, अब मुझे नेम फाइंड करना है कि शिवानी नाम के कितने लोग अपने यहाँ पर हैं, ठीक है तो लिखो ईमेल, नेम लिख दो नेम, चलो ईमेल डाल दो, राज एट द रेट कुछ भी डाल दो, नेम से कर लो, नेम कोलन कुछ डाल दो। अब फाइंड हो जा रहा है, आ गया देखो फाइंड हो गए, अपने फाइंड बटन दिया ना, एंटर दे दो, फाइंड हो गया सर। और फिर अभी तो सारा काम हम खुद से कर रहे हैं, आगे चलोगे क्या होगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक होगा, बटन लगे होंगे जहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहे होंगे ना स्टूडेंट के, वहाँ पे साइड बटन भी दिए होंगे डिलीट का, फाइंड का, ऐसे रिकॉर्ड दिए होंगे, तो उस हिसाब से फाइंड करोगे। अब मांगे चलो किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड डिलीट करना है, तो आपको उसका कुछ ना कुछ तो पता होगा ना यूनिक, तो आप डिलीट कर पाओगे किसी का रिकॉर्ड, कुछ ना कुछ तो उसको पता ही होगा, यानी कि इसका ईमेल, इसका जे यूनिक होता है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं किसी बंदे से, उसका कुछ ना कुछ तो यूनिक लेके चलते ही हम, समझा गया ना, तो हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे हजारों में, तो अगर कोई मुझसे कहे कि जाओ शिवानी का ढूंढ के लेके आओ, शिवानी का रिकॉर्ड डिलीट करना है, अब अगर मेरे में शिवानी 100-200 आ गए तो मैं कैसे मालूम पड़ूंगा इस शिवानी को डिलीट करना है, तो मेरे पास शिवानी क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए,
शिवानी की अगर मेरे पे ईमेल आईडी यूनिक होगी तो मैं उसको ईमेल सर्च करूंगा, उससे मिल जाएगा, डिलीट कर दूंगा उठा के रिकॉर्ड शिवानी का तुरंत। ठीक है, तो जब भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है ना कुछ यूनिक लेके चलते हैं हमारे उसके अंदर। चलो अब देखो डिलीट कर लिया, डिलीट करा दूंगा। डिलीट जी हटा दो, खोरी हटा दो, अब डिलीट करके दिखा दो उनको। देखो डिलीट हो गया, डिलीट पे देखो ऑप्शन आ रहा है करने के लिए, ये डिलीट हो गया। ठीक है, आप लोग कर लो भाई जी, पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, अभी आगे चल के सीखेंगे एग्रीगेशन क्या होता है। देखो लिखा ना एग्रीगेशन, स्कीमा क्या होती है, इंडेक्स क्या होते हैं, जो वैलिडेशन क्या होते हैं, सब लिखिए ना। अभी देखो अभी एक रिकॉर्ड है तो एक इंडेक्स दिखा रहा है ना, अभी सीखेंगे आगे चल के हम लोग ये पूरा एग्रीगेशन स्कीमा है ना, इंडेक्सिंग वैलिडेशन सब सीखेंगे अभी धीरे करके जब हम काम करेंगे प्रोजेक्ट में। सर ये तो मतलब मोंगोडीबी तो काफी इजी है माय एसक्यूएल से, तो इसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है कोडिंग के लिए। तो है सिंपल होता मोंगोडीबी, नहीं पूरा ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, चलो ऊपर ले, मत रहो ऊपर खिसका दो थोड़ा, क्वेरी से ऊपर चला दो थोड़ा, अरे स्क्रॉल हाँ ऊपर कर दो बस, और ऊपर कर दो तो बाद में लिख ले, कॉपी कर लेना। चलो अब देखो अब करते हैं थोड़ा और ले जाओ, अब करो थोड़ा फाइंड, अब देखो थोड़ा और क्वेरी चलाते हैं। देखो db.students.find प्रैक्टिस जरूर करना, फाइंड हाँ फंक्शन साइन लगा दो, बस एंटर दे दो। अच्छा एक रिकॉर्ड इंसर्ट है यहाँ पे, तो चलो एक दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना, क्वेरी चलाना एक दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो। इंसर्ट वन, इंसर्ट इंसर्ट एसईआरटी, इंसर्ट वन फंक्शन का साइन कर ली वैकेस, बस जल्दी रिकॉर्ड इंसर्ट कर लो। गया हाँ कर लिया। हाँ मैं पूछ रही हूँ कि जैसे अगर मैंने कॉलम सेम नहीं लिए, मान के चलो मैंने एक रिकॉर्ड जो इंसर्ट किया उसमें मैंने नेम और सिटी ले लिया और दूसरे में मैंने नेम और ईमेल ले लिया, हाँ, तो इसमें एरर, इसमें एरर, हाँ इसमें एरर नहीं आएगी जी, तो खासियत है इसकी, यही तो इसकी चीज है। एक बात बताओ सर, लेकिन फिर है ना ऐसे टेबल का वो कैसे पता चलेगा हमें कि टेबल के मेन कॉलम कौन कौन से हैं और क्या क्या इंसर्ट करना है? वो तो जब लिखते हैं अपन सो लिखते हैं ना, वो कहते हैं ना फाइंड करते हैं उससे मालूम पड़ जाता है। नहीं फाइंड करते तो पता तो चल जाता है, लेकिन जैसे मैंने ना मुझे तो सिर्फ मतलब दो ही चीजें इंसर्ट करवानी है, मतलब मुझे नाम चाहिए और कोई मतलब मॉड्यूल है जैसे लोकेशन मॉड्यूल है, तो मुझे सिर्फ सिटी के नाम चाहिए और उसकी आईडी चाहिए, तो फिर मैं अगर सिटी की जगह मैंने नहीं, अगर मैंने इंसर्ट करते टाइम यहाँ पे गलती कर दी ना कि नेम इक्वल्स टू दिस और कुछ और कॉलम ले लिया यहाँ पे सिटी की, हाँ तो सिटी में फिर डेटा जा नहीं पाएगा उस केस, सिटी में तो फिर खाली चला जाएगा ना, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, हाँ रिकॉर्ड और एक और फील्ड बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा। मैं करके देखूँ अभी, हाँ होता है ना उसमें, आ जाओ अभी कर लो, देखो अभी कर लेता हूँ। सर देखो इसमें ये तो अच्छा है, इसमें पंगे नहीं होते एरर फेरर के, क्यों पता सर फायदा क्या है, जैसे मान के चलो आज हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कल को क्लाइंट ने हमसे बोल दिया एक काम करो दो कॉलम और ऐड कर लो टेबल के कलेक्शन के अंदर, दो फील्ड और ऐड कर लो, अब कहाँ कहाँ जाकर चेंज करना पड़ेगा MySQL में, टेबल में जाओ जे करो वो करो, और यहाँ कुछ नहीं करना होगा, यहाँ तो आप दो फील्ड बढ़ाओगे अपने आप MongoDB में ऐड हो जाएंगी, अपने आप सब जगह ऐड हो जाती हैं, ये तो इसकी सबसे अच्छी खासियत लगती है मुझे।
ये डॉक्यूमेंट है सारा कुछ, ऑब्जेक्ट वाला सारा सिस्टम है। बाकी लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेना, हाँ ईमेल लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आएगी इसमें। और एंटर दे दो, अब फाइंड कर लो। यहां पे सारा खेल ऑब्जेक्ट का चल रहा है, की और वैल्यू का, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू का। यहाँ वाला सिस्टम नहीं कि कॉलम डिफाइन हो गया तो अब इसमें डेटा नहीं जाएगा तो वो एरर देगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अब लास्ट वाले में कहीं सिटी दिखा रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा परमानेंटली नहीं कि भाई ये फील्ड होनी ही चाहिए, ये फील्ड अगर तुम्हें नहीं ऐड किया तो उसमें फील्ड में एरर देगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर अब इसकी टेबल कैसे बनी होगी, जैसे नेम और सिटी और बीच में यहाँ टेबल थोड़ी बनती है भाई, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनता है जो आपको दिख रहा है सामने। अच्छा यहाँ कोई वो MySQL में टेबल थोड़ी बनती है कि उसमें पहले टेबल जाके बनाओ। अब यहाँ पे जाकर देखो, क्लिक करो क्लिक। अच्छा यहाँ पे तो ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट वाइज डेटा इंसर्ट होता है, यही तो पढ़ के आए हम लोग। यहाँ सारा खेल ऑब्जेक्ट का है, यहाँ ये सुनो कि परमानेंट टेबल डिसाइड कर दी गई। अब मैं नए रिकॉर्ड में नए कॉलम ऐड कर देता हूँ, फील्ड चेंज कर देता हूँ सारी, ये सब फायदा है। यहाँ पे एरर्स नहीं आती हैं चीज़ों में, और अगर वहाँ करते तो अब एरर तो दे देता वो, वहाँ टेबल बनाओ फिर उस टेबल के अंदर प्राइमरी की ऐड करो, तो यहाँ पे ना प्राइमरी की ऐड करनी है कुछ भी, वो पंगे नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तभी तो फास्ट है, ऑब्जेक्ट में चल रहा है तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप कितना भी डेटा स्टोर कर लो, कैसा भी रख लो, बताया था ना ऑब्जेक्ट के अंदर एरे कुछ भी रख सकते हो। चलो कर लिया, अब नीचे आ जाओ, अब थोड़ा ऊपर पहुँचाओ। अब देखो सब लोग, अब मैं यहाँ पे एक सर्च करने वाला हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक सर्च करना चाहता हूँ। सब देखो क्वेरी में, बस देखो db.students.find फंक्शन का साइन कर ली वैकेस। मैंने कहा कि नेम, देखो नेम रोहित हो या नेम शिवानी हो, चलो रोहित रोहित लेके चलो, रोहित नेम रोहित हो कॉमा कॉमा सिटी उसकी जयपुर हो, ये दोनों होना जरूरी है एक कॉलम के अंदर, फील्ड के अंदर सिटी उसकी जयपुर हो, मतलब एक तरह का जो एंड का काम कर रहा है, जो एंड होता है ना एंड, एंड में क्या होता है, यस सर, दोनों कंडीशन ट्रू, दोनों ही कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे दोनों ट्रू होने चाहिए। एंटर दो, लुट के आ गया। अब जयपुर जगह कुछ और लिख देना, अब देखो कंडीशन की ट्रू हो रही है, देखो कुछ भी नहीं आया, दिख रहा है सब लोग, मैंने क्या बोला कि नेम में रोहित हो, ये चीजें आगे चल के यूज होंगी प्रोजेक्ट में तो उनको थोड़ा समझ के चलना। अब मान के चलो कोई बंदा है वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, अब वो बंदा रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुका था, अब वो दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसी ईमेल से, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका पहले ईमेल चेक कर, जब बंदा वो रजिस्ट्रेशन करेगा जो उसका ईमेल आ रहा होगा उस ईमेल को मैं चेक करना पड़ेगा डेटाबेस में कि ईमेल पहले से उसके अंदर है तो नहीं, अगर होगा तो उससे बोलेंगे ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट। समझ आ रही चीजें, पॉइंट सब लोगों को है ना, वैल्यू को नोट करो आप लोग, इसलिए डेटाबेस जितना क्लियर होगा उतने प्रोजेक्ट समझ में आएंगे आपको अच्छे से। वैल्यू को चलाओ, प्रोड चलवाता हूँ, दिखा दो करी, घर पे प्रैक्टिस जरूर करें सब लोग। इस समय मंगू सबको दिखा चुका हूं कि मन की कितनी डिमांड है मार्केट में, बहुत डिमांड है मन की, अगर अच्छे सीख जाते हो तो। चला ली क्वेरी, कोई चल गई सबकी, बताया तो करो, मैं बोलूं चलो। यस सर, अब देखो अब लगाते हैं लिमिट, और लिमिट ही कोई चलो, देखो db.students.find
स्टूडेंट डॉट फाइंड, देखो डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, फंक्शन का साइन के बाद कॉमा लगाओ, बंद कर दो फंक्शन, बंद कर दो, डॉट 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 आएगा, डॉट डॉट लिमिट नहीं, कॉमा नहीं आएगा, डॉट लगाओ, डॉट लिमिट, ठीक है। अब मैंने कहा फंक्शन साइन लगाओ, मैंने लिख दिया इसके अंदर फंक्शन साइन, इसके अंदर लिख दो टू, देखो इसके अंदर टू, अंदर टू लिख दो, इसके अंदर उसके लिमिट के अंदर टू। अब जी क्या करेगा, हमें कितने रिकॉर्ड दिखाएगा, टू दिखाएगा ना, दो रिकॉर्ड, एंटर देना, एंटर दे दो, देखो दो रिकॉर्ड दिखा रहा है सब लोग। अगर मैं करता हूं लिमिट एक, लिमिट एक कर देना, लिमिट वन, तो तुम्हें कितने रिकॉर्ड दिखाएगा, वन रिकॉर्ड दिखाएगा, दिख रहा है लिमिट में, जितना आप रिकॉर्ड दिखाना चाहते हो उतने आप क्या लगा दोगे, लिमिट लगा दोगे, ठीक है। चार दिखाना चाहो चार दिखा दो, और नीचे आओ, एक क्वेरी और चलाओ, लिखो डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड फाइंड, अब लिखो यहां पर सॉर्ट, सॉर्ट 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 अभी नहीं, सॉर्ट अभी नहीं, काउंट काउंट सॉर्ट अभी नहीं, बाद में चलाऊंगा काउंट। हमें ये क्या पता करना है कि अब देखो हमें यहाँ पे क्या पता करना है कि इसमें कितने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हैं। अब मान के चलो क्लाइंट है, क्लाइंट ने कहा एक फॉर्म बना दो, रजिस्ट्रेशन आपने बना दिया, अब वो क्लाइंट जी बेबे जाकर चेक करेगा कि कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, वो तो कहेगा भैया अभी काउंटर लगा दो, जहाँ मुझे काउंटर में दिखता रहेगा कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, ठीक है ना। तो वो ये काउंट है, एंटर दो, तो दिखा रहा है कि तीन रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। अब चला के देखो दोनों क्वेरी, और आज के लिए इतनी क्वेरी काफी है ना, बहुत सारा हो गया होगा माइंड के अंदर, पहले इतनी सारी का प्रैक्टिस कर लो। सर मुझे समझ नहीं आया सर ये।